मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझे बॉटम बोलती हो। बॉटम? वो क्रिकेटर? नहीं, बॉटम मैं एक नंबर का बेवकूफ, बेअकल। शालिनी साइड में चले, सब सुन लेंगे। पर तुम्हें ये सब किससे कहा? आलिया ने। आलिया ने ये सब बोला? ओके। वो ना तुम्हें ये सब सिर्फ ऐसे ही बोल रही है ताकि तुम मुझे आके ये सब बोलो। अच्छा, तो वो तुम्हें बेवकूफ बोलना चाह रही है? मुझे नहीं, वो तुम्हें ही बेवकूफ बोल रही है। एक सेकंड, क्लियर करो कि मैं बेवकूफ हूँ कि नहीं। तुम बेवकूफ हो। क्या? और नहीं तो क्या? आलिया तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ये सब कर रही है। शालिनी ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। जरा सोचो, आज वो टीचर बनकर तुम्हारे साथ इतना बड़ा गेम खेल रही है, कल वाइस प्रिंसिपल बन जाएगी तो क्या करेगी? लेकिन अब तुम्हें क्लियर हो गया है ना कि तुम्हें किसे वोट देना है? गुड, चल। राबिया, हाँ? चतुर्वेदी जी, चल चल चल, उनकी वोट पक्की करने चल। पर आलिया सुन, उन्होंने तो आज ही वाइस प्रिंसिपल के लिए अपना नामांकन भरा है। क्या? हाँ। कोई बात नहीं, जिस हाथ से नामांकन भरा है उसी हाथ से नामांकन वापस लेंगे, चल। हाँ? अरे पर आलिया सुन तो। क्या? तू करेगी क्या? अब तू देख राजनीति किसे कहते हैं, चल। चतुर्वेदी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लीजिए लड्डू और हमारा मैनिफेस्टो, वोट हमें दीजिएगा। हाँ। बहुत ही हास परिहास पूर्ण ठिठोली युक्त अपवादजनक संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं आप। ये बताइए, हम अपना मत आलिया महोदया को क्यों दे भाई? अरे हम तो स्वयं इनके प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि हमें तो आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप अपना मतदान हमें करें, हमें हमें दें। क्या चतुर्वेदी जी, आप जैसा परम ज्ञानी विद्वान व्यक्ति इन छोटे मोटे इलेक्शनों के चक्करों में कैसे पड़ गया? अरे बड़ा सोचिए, दूर का सोचिए। अर्थात? अर्थात इलेक्शन में हार कर अपनी चौक करानी है क्या आपको? वो हिंदी में क्या कहेंगे? पुरस्कार। हाँ? नहीं, तिरस्कार। तिरस्कार, तिरस्कार, अपमान, इंसल्ट, डंके बजेंगे जी कि चतुर्वेदी जी इलेक्शन हार गए। इतनी निंदा होगी, और एक बार इज्जत गई फिर जिंदा ना होगी। धैर्य धैर्य, आप जरा हमें ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इतनी निश्चिंतता के साथ कैसे कह सकती हैं कि इस चुनाव में हम पराजित होंगे ही? आगरे आगरे के बीच की लड़ाई में वो साउथ दिल्ली की बिल्ली रोटी खा जाएगी, फिर कैंटीन में बैठ के समोसे खाइएगा दुख मनाते हुए हिंदी में। जी जी, समझिए, इंग्लिश का बोलबाल, 26 की कमर, शिफॉन की साड़ी लहराते हुए जब वो परफ्यूम छिड़कते हुए चलती है ना, आप भी घूर घूर के देखते हैं उसे। आधे वोट अपनी ब्यूटी के दम पे ले जाएगी वो, बाकी आधी लड़ाई आप आसान कर दीजिए उसके लिए। कैसे? कैसे? अरे यहाँ मुझे अकेले जीतने में इतनी कठिनाई हो रही है, दो चार वोट आप ले जाएंगे, फिर ना मुझे कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, जीत जाएगी वो तारा। क्या सोच रहे हैं चतुर्वेदी जी, नामांकन वापस ले लीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। अगर इंग्लिश वाली कुर्सी पे बैठ गई तो हिंदी वाला ट्रेन में ही बैठेगा, बदलाव के नाम पर सबसे पहले आपका टिकट काटेगी वो, देख लीजिएगा। फिर क्या? निंदा, अपमान, तिरस्कार, उपहास। बस 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 दीजिए। आलिया महोदया जी, आप इस अंग्रेजी सभ्यता के विरुद्ध चुनाव लड़िए, हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे, आज से हम आप लोगों के साथ हैं। हम भी। आलिया जी। राजेश जी आइए। आलिया जी। अरे वाह आलिया जी, हमने सुना है कि आपने वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद बैचलर टीचर्स को एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस देने का प्रॉमिस किया है। हाँ हाँ, अरे बैचलर अगर घूमेगा नहीं फिरेगा नहीं तो शादी कैसे होगी, इसीलिए तो हमारी भी वोट आपको ही। थैंक यू राजेश जी। नंदन, ये सब क्या है?
वही तो सर, मैंने प्रिंटर वाले को बोला कि सर का चेहरा थोड़ा गोरा करो, समझता ही नहीं हूँ। मैं गोरेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या 2-in-1 पोस्टर? अरे सर, आप ही तो 2-in-1 बने फिर रहे पूरे शहर में, बहुत फेमस है सर आप। लोग मोबाइल दुकान में जाता है बोलता आलोक मोबाइल देना। आलोक मोबाइल? हाँ, दुकानदार समझ जाता है डुअल सिम चाहिए। पर वो सब छोड़ो, ये बताओ ये यहाँ लगाने को कहा किसने तुम्हें? आपकी बीवी ने, सॉरी दोनों बीवी ने। अरे तो दोनों का एक साथ ही बनवाया, अलग अलग छपवाना था ना सर। लो बजट इलेक्शन है, अब दोनों का पति भी सेम है, स्लोगन भी सेम मिल गया, तो हम सोचते कि सस्ते में चिपका देते हैं। सस्ते में तो मैं चिपकूंगा अब। निकालो निकालो उसको अभी। तो क्या आलिया जी को निकालेंगे तारा जी को? अरे पूरा ना पूरा निकालो ना सर, इट्स टू लेट, सारा पोस्टर यहाँ देखे छप चुका है, अब कुछ देर में पोस्टर लग भी चुके होंगे। आप चिंता मत करिए सर, सारे टीचरों की तरह आप भी किसी की साइड ले लीजिए, काम खत्म। तारा जी, आपका ब्यूटी पार्लर वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके मुझे बड़ी जरूरत है। और हाँ, हफ्ते में एक बार फ्री पेट्रोल। मैंने तो सोचा है कि अपनी पुरानी स्कूटर निकालूंगा और फिर मेरा वोट आपको जाएगा। थैंक यू। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। 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 कल परसों आज और कल दादाजी बनेंगी वाइस प्रिंसिपल। कल परसों आज और कल दादाजी बनेंगी वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। कल परसों आज और कल दादाजी बनेंगी वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। आप आलोक जी की प्रेजेंट वाइफ हैं और आप पास्ट, सॉरी मतलब एक्स वाइफ। आप दोनों का इलेक्शन मैटर से हम था तो एक ही पोस्टर में निपटा दिए। देखिए आचार संहिता लागू है, आचार संहिता समझती हैं आप? वो इलेक्शन 2 दिन पहले लागू होता है, उसमें कोई भी कैंडिडेट मारपीट नहीं कर सकता, अगर मारपीट किया तो उसको इलेक्शन से निष्कासित कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते हैं, समझे? आप समझे? हाँ, बचिए मैं भी और आंख भी। गया बिस्कुट चाय में। अरे ओ पीटी टीचर, कहाँ खोए हो? अब कल से देख रहे हैं शक्ल पे 12 बजाए घूम रहे हो, क्या हुआ बेटा? बेटा मत कहो मेरे को, ये बिस्किट कहो, क्योंकि इस बिस्किट जैसा ही हाल हो रखा है मेरा। किसकी चाय में जाके गिरूंगा, कौन खाएगा मेरे को, कुछ नहीं पता। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये देखो ये 50% सेल के चक्कर में 50-50 हो गया हूँ मैं। अरे पति पत्नी और वो क्या बनेगी, असली पिक्चर तो मेरे पे बनेगी, पति पत्नी और पत्नी, आलोक साबुन, आलोक डिटर्जेंट, आलोक टिकिया, अरे ये सब बिकेगा मेरे नाम का आगरा में। धो धो के दोनों बीवियों ने पागल कर दिया मेरे को। शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ, दोनों बोलती मेरे को सपोर्ट करो, एक बोलती मुझे वोट दो, दूसरी बोलती मुझे वोट दो, कुछ समझ जा रहा मम्मी मैं क्या करूं। बेटा ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा, देखो कृष्ण जी को अगर यशोदा मैया और देवकी मैया के बीच में से एक को चुनना होता तो हम बता देते, लेकिन यहाँ तो कृष्ण जी को राधा और रुक्मणी के बीच में चुनना है, वो तो कृष्ण जी ही बता सकते हैं ना। वैसे कान्हा जी, हमारी रुक्मणी और राधा का गद्दी और सियासत के चक्कर में तो अपनों तक ने धोखे दिए हैं। इतिहास है ये तो फिर भी बहुत दूर साउथ दिल्ली से आई है। मेरे आगरा वासियों, हमें बहुत ध्यान से एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने वाली पार्टी हमें तोड़ने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। हाँ,
हमें साथ मिलकर रहना है। किसके घर में? घर में नहीं, स्कूल के इलेक्शन में। अच्छा, तो इलेक्शन तक हम सब स्कूल में ही सोएंगे। शालिनी, हमें यूनिटी बना के रखनी है, यूनिटी, ताकि हमें कोई कमजोर ना कर पाए, क्योंकि कमजोर हमें ऑपोजिशन पार्टी को करना है। बिल्कुल सही। उनके हर एक सपोर्टर को एक एक करके अपनी पार्टी में शामिल करना। बिल्कुल सही। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि उनकी पार्टी के लोग सपोर्ट भले उसे करें, लेकिन वोट मुझे करें। कल परसों आज और कल ताराजी बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। कल परसों आज और कल वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। वाइस प्रिंसिपल कैसा हो? आलिया जैसा हो। ला 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 ला। जालिम, एक कप कॉफी पिलाओ और सुनो, पैसे इनके अकाउंट में डाल देना। बाबू, खबरदार अगर किसी अपोजिट पार्टी का पैसा मेरे अकाउंट में लिखा तो। बात समझो बस। जालिम, सिचुएशन बदल गई है, हम थोड़ी ना बदलेंगे। अरे पार्टी कोई भी हो, हम तो दोस्त ही रहेंगे ना। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। होता है तो सिर्फ सपोर्ट होता है, जो तुम्हारा हमारी पार्टी को नहीं है। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, हैव कॉफी पेमेंट योरसेल्फ ब्रो। भाई सर, जी के जी। अरे जी शालिनी जी, पम्मी टॉकीज में ना आयुष्मान की मूवी लगी है, आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ। अरे वो क्या है ना, हमने अपनी दोस्त के साथ प्लान बनाया था, अब उसने मना कर दिया, अब टिकट वेस्ट रहेगी। नो वेस्ट इज हैपनिंग, हम चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? हम चलेंगे और क्या। अरे चुप रहो यार। शालिनी जी, आप इनसे क्यों पूछ रही है? कॉपीराइट तो हमारे पास है। अरे बंदा तैयार है, हम चलते हैं ना आपके साथ। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हमारे दुश्मन हैं और हम दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते। हम आपके दुश्मन कब से? अब से। पकड़ो इसको। देखो बाबू, तुम जो है आलिया जी की पार्टी से हो और शालिनी जी जो है तारा जी की पार्टी से है, तो घड़ी तो यही कहता है कि तुम दुश्मन हो। अब शालिनी जी, हम कह रहे थे कि थिएटर में चीज पॉपकॉर्न खाएंगे कि प्लेन? चीज। अरे आप तो क्या क्या चीज हो यार जालिम तुम? क्या? अरे शालिनी जी को पॉपकॉर्न खिलाने वाला 38 साल पहले दुनिया में आ चुका और वो हम है, पिक्चर तुम जाओगे? बाबू मेरी जगह तुम होते अगर सही पार्टी में होते। देखो भदौरिया, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शालिनी जी के साथ घूमने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। सुनो, दुश्मन से दोस्त हो जाओ। जी के जी। हाँ हाँ शालिनी जी, पिक्चर शुरू हो जाएगी, जल्दी कीजिए ना। बस एक मिनट, तुरंत आ रहे हैं। बाबू सिर्फ एक वोट की बात है। हाँ। बस समझो, चलो भाई मैं निकलता हूँ। रुको ना जालिम। हाँ। आलिया जी माफ करना, पॉलिटिक्स के लिए नहीं पर प्यार के लिए हम पार्टी बदल रहे हैं। यार आखिर सुमित और सौम्या की लाइफ का भी तो सवाल है जालिम। ये सुमित और सौम्या हमारे और शालिनी जी के फ्यूचर के बच्चे। राम राम जी। राम राम, सब ठीक ना? ये आया है जीके का मैसेज, फिर कोई फोन भेजा होगा। मेरी और तारा सिंह की सेल्फी। घर में जाऊंगा तो बीबी पहले मोबाइल चेक करेगी किसका नंबर है। ये नंबर भी अननोन है। हेलो हेलो, सत्संगी जी। राबिया जी, आप, ये कौन सा नंबर है? ये मेरा इमरजेंसी वाला नंबर। तो मेरे यहाँ इमरजेंसी क्यों करवा रही है आप? ये क्या फोटो भेजा आपने राबिया बहन? क्या हो गया भाईजान, कौन सी फोटो? अरे मेरी आ रहा है तारा जी की। अरे 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 अरे, क्या कह रहे हैं भाईजान, वो फोटो आपको पहुंच गई? ओहो, अल्लाह तौबा, सॉरी सॉरी, वो फोटो तो भाभी जी को भेजनी थी। भाभी जी? कौन सी भाभी जी? अरे भाभी जी, आपकी वाइफ, जो आपसे बेइंतहा प्यार करती है। प्यार? प्यार करने वाली मेरी कोई बीवी नहीं। क्या? अरे वो, वो, ये क्यों धमाका कर रही है आप? मर्डर कर देगी वो मेरा। आपकी वाइफ ने मुझे आप पे नजर रखने की ड्यूटी दी है।
बस वही ड्यूटी निभा रहे हैं हम तो, समझे आप? अब आप फोन रखिए, हमें उन्हें फोटो भेजना है। राबिया जी आप हो ना, रोटी बंद कर देगी वो मेरी, आप खिलाओगे? ठीक है भाईजान, आप इतना कह रहे हैं तो मैं फोटो नहीं भेजूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, आधा किलो कचौरी। नहीं नहीं, एक किलो पेठा। सत्संगी जी, भाईजान, हमें पेठा कचौड़ी ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चाहिए। क्या? आपका वोट। जीके जी, मुझे, हाँ जी, हाँ, ये लीजिए, मम्मी ने अभी अभी फ्रेश लड्डू बनाए। देखिए आलिया जी, इससे पहले आप मुझे खरीदने की कोशिश करें, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। अरे ना ना, तो ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी कीमत क्या एक लड्डू के बराबर है? खैर वो सब छोड़िए, हाँ। आप बताइए घर में कैसे हैं सब, ठीक? अरे अब क्या बताएं आलिया जी, कल ही अम्मा जी का फोन आया था गांव से, बहुत परेशान थी, कह रही थी बाबू। वो भी उन्हीं से तो हमने सीखा है। हाँ, तो वही कह रही थी कि पिताजी मोनिका को फिर से घर लेके आ गए हैं। मोनिका? हेमंत जी वाले, है? आपके पापा का अफेयर चल रहा है? मोनिका मेरी भैंस का नाम है, आप भी ना लिया जी। हाँ वही, तो वो क्या है कि गांव का छप्पर उड़ गया है ना, तो बरामदे में लाकर पिताजी बांध दिए हैं, अब क्या है कि बाहर बड़ी ठंड पड़ती है ना। पापा को? मोनिका को। लिया जी आप भी ना, तो जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, नया छप्पर लगवा दीजिए ना। आलिया जी बहुत खर्चा है, अब आपको पता इतनी सी कमाई में कहाँ कुछ होता है, अब ये जो कपड़ा पहना हूँ ना, ये भी ईएमआई पर है, इस पे आधा हक मेरा है आधा बैंक का है, अब आप बताइए अगर ऊपरी कुछ कमाई होती तो बात अलग थी, समझ रही ना बात को? अरे अगर ये बात है तो आपको मुझे पहले बताना था ना, मैं पहले ही आपकी मदद कर चुकी होती। अरे आलिया जी थैंक यू सो मच, लेकिन आपसे पैसे लेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ना ना पैसे वैसे नहीं, मैं आपको अपने साइड बिजनेस के लिए एक धमाकेदार आइडिया देने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आप जो मांगेंगी ये जीके आपको लाके देगा, बस आप लिस्ट बनाकर मैसेज कर दीजिएगा। ना ना लिस्ट नहीं, तब हमें तो आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। हाँ? आपका एक मात्र, हाँ? एक लौता, हाँ? बहुमूल्य, हाँ? वोट। हाँ? सोच क्या रहे हैं, कहिए। देंगे वो? जरूर देंगे। ओके डन, लॉक कर लीजिए। हाँ, हमारी वोट आपको ही जाएगी। आलिया जी। थैंक यू जीके जी। वेलकम। एक मिनट, लड्डू खाए नहीं खाएंगे? अरे हमको इधर जाना चाहिए। थैंक यू बच्ची वाले। महोदया, महोदया, क्या बात है, उत्कृष्ट, विशिष्ट, बाबा, राजनीति और कूटनीति का ऐसा समन्वय, कमाल कर दिया आपने, अद्भुत। थैंक यू। अब देखिए, हाँ, सत्संगी जी हमारी तरफ, जीके जी भी हमारी तरफ आ गए, अब बस कल की स्पीच बची है। हाँ, वो अच्छे से हो जाए, आप लिख के लाए ना। हम तो भूल ही गए, हम लाए। ये देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। हम चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और इसीलिए एक अच्छी स्कूल की पहचान सिर्फ डिसिप्लिन नहीं होती, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बदलती दुनिया के साथ अपने तरीके भी बदले। चाहे स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई, हर डिपार्टमेंट में इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, मॉडर्न लर्निंग, इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे बाहर की दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वाओ तारू, क्या स्पीच तैयार किया तुमने? Really? तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी है। Thank you so much, baby. अब बस कल वोटिंग से पहले ना बाकी सब टीचर्स को भी मेरी स्पीच पसंद आ जाए। You know? एक अच्छी स्पीच से ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और आलिया का क्या है, वो तो कितना भी अच्छा कर ले, उसकी स्पीच तो बकवास ही होने वाली है, वो तो वही घिसी पिटी हिंदी टाइप की स्पीच लेकर आ जाएगी।
वैसे मैं पानी भी कराते रिहर्स करके ना गला बहुत सूख गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.